नमस्कार। इस समय आप जो अपनी मोबाइल स्क्रीन पर विजुअल देख रहे हैं, ये विजुअल के हैं कुंजवानी के, जहां पर औकाफ द्वारा अवैध रूप से बनाई गई 9 से 10 दुकानों पर चला पीला पंजा। और साफ तौर पर आप देख रहे हैं किस कदर यहां पर डिमोलिश ड्राइव चलाई गई है। और साथ ही साथ ये भी सूत्रों के आधार पर पता चल रहा है कि पहले भी औकाफ का और नेशनल हाईवे अथॉरिटी का आपस में केस चल रहा था, जिसके चलते पहले भी कहा गया था इन दुकानों को खाली करने के लिए। उसी के चलते अब नेशनल हाईवे अथॉरिटी की तरफ से ये बड़ा एक कार्रवाई हुई है, जिसके चलते औकाफ बोर्ड की तरफ से जो दुकानें बनाई गई कि अवैध रूप से, उन्हीं पर आज पीला पंजा चला है। और सबसे बड़ा सवाल ये भी रहता है कि जब ये पहले ही दुकानें बनना शुरू होती हैं या बनाई जाती हैं, उस समय सरकार और प्रशासन, खास करके प्रशासन कहाँ सोया होता है, नेशनल हाईवे अथॉरिटी कहाँ सोई होती है। बाद में इन्हें पता चलता है कि जबकि स्ट्रक्चर बनकर तैयार हो जाते हैं, लोग अपना काम काज वहाँ पर शुरू कर देते हैं, उसके बाद पता चलता है कि ये अवैध रूप से बनाई गई हैं। यानी लोगों का, जिन लोगों ने यहाँ पर पैसा लगाया होगा, जो लोगों का व्यवसाय चलता होगा, उनका क्या कसूर है? कसूर तो उन लोगों का है जो लोग उस समय इन अवैध दुकानों को, इन स्ट्रक्चर को तैयार करने में मुलव्वस होते हैं। और आखिर ये कहीं ना कहीं कार्रवाई जो बड़ी हुई है कुंजवानी में हुई है, जहां पर औकाफ द्वारा बनाई गई अवैध रूप से दुकानों पर पीला पंजा चला है।